क्लास, मैं हूं आपका टीचर अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने चल रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी। तो इस चैप्टर का जैसा कि नाम है स्थिर वैद्युतिकी, तो इससे पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, स्थिर वैद्युतिकी बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ। तो इस चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी में हम जिन आवेशों की स्टडी करते हैं, जिन आवेश के बारे में स्टडी करते हैं, जिन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम स्थिर मान के चलते हैं। क्या मानते हैं कि अपना जो आवेश है जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हो, स्थिर है, कहीं पर रुका हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं है, वो रुका हुआ है, किसी एक बिंदु पर रुका हुआ है, उसमें ठहराव है। ओके, तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें हम अपने आवेश को रुका हुआ मान के ही करेंगे कि अपना आवेश है वो रुका हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं है। और जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें हम अपने आवेश को मोशन में भी लाएंगे, हम ऐसे टॉपिक्स की भी स्टडी करेंगे जहाँ पर अपना आवेश जो होगा वो रुका हुआ ना होकर वो गति में होगा, वो गतिमान अवस्था में होगा, मोबिलिटी होगी उसमें, उसमें मोशन होगा। ओके क्लास, तो अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इस चैप्टर का, स्थिर वैद्युतिकी नाम के चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक वैद्युत आवेश। क्या पढ़ने चल रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट आया, संकल्पना आई, आई कहाँ से? आखिर किसने सोचा कि आवेश नाम की कोई चीज़ भी होती है? ओके, किसने सोचा होगा कि आवेश नाम की कोई चीज़ भी होती है? हम आपको बताने चल रहे हैं कि एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, वो यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के एक वैज्ञानिक थे और जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था उनका? थेल्स नाम था। इन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की नेचर में, प्रकृति में। इन्होंने देखा कि अगर अंबर की छड़ को, अंबर नामक एक पदार्थ होता है, उसको अगर ऊन से रगड़ते हैं, अंबर नामक पदार्थ को अगर ऊन से रगड़ते थे, रब करते थे, तो उन्होंने देखा कि रब करने पर अंबर में, अंबर नामक पदार्थ में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता था। क्या देखा था उन्होंने? जब अंबर को ऊन से रगड़ते थे तब अंबर में अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता था। तो लेकिन इन्होंने जो थ्योरी दी, इसको किसी ने कोई भाव नहीं दिया, मतलब दुनिया ने इसको समझा नहीं, इनकी थ्योरी को कोई ध्यान नहीं दिया गया इनकी थ्योरीज पे, कि इन्होंने जो बताया अगर अंबर को हम ऊन से रगड़ते हैं तो ऊन से रगड़ने के बाद में अंबर जो पदार्थ है उसमें ऐसा कोई गुण आ जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इनके बाद एक वैज्ञानिक और आए जो कि थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। उनका नाम था गिलबर्ट। एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए, उनका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने और भी चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसा थेल्स ने देखा था कि अंबर और ऊन के बारे में बात की थी, तो गिलबर्ट ने देखा दुनिया में हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सी चीज़ें थी, अगर उनको किसी दूसरे चीज़ से, दूसरे ऑब्जेक्ट से उनको रब कर रहे थे, रगड़ रहे थे, तो उनमें किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जा रहा था। वो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे या उनमें प्रतिकर्षण का गुण आ जाता था, या दूसरी चीज़ को अपने से वो प्रतिकर्षित करेंगे या उसको आकर्षित करेंगे, इस प्रकार का एक गुण वस्तु में आ जाता था रगड़ने पर, रब करने पर। जैसा आपने कभी कभी देखा होगा जब हम अपने हेयर को कॉम करते हैं, मतलब कंघी करते हैं, तो कंघी जो होती है, कंघी को अगर हम छोटे छोटे कागज़ के पास ले जाते हैं तो छोटे छोटे जो कागज़ के पार्टिकल्स होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, कंघी में चिपक जाते हैं। आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके करना, है ना, जो कागज़ का टुकड़ा होगा वो कंघी में चिपक जाता है, क्योंकि जो कंघी है उसमें आवेश आ जाता है। क्या करने से? रब करने से, रगड़ने से। जब उससे हेयर से, अपने बाल से रगड़ते हैं तो कंघी में आवेश आ जाता है, मतलब कंघी हो जाती है आवेशित, इसलिए वो अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो रगड़ने से किसी भी ऑब्जेक्ट में दो प्रकार की प्रॉपर्टी, दो प्रकार के गुण डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। एक तो होता है आकर्षण की क्वालिटी, एक होता है आकर्षित करने की प्रवृत्ति, और दूसरी होती है प्रतिकर्षित करने की प्रवृत्ति। आकर्षित करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन पावर आता है या रिपल्सन पावर आता है, वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या किसी ऑब्जेक्ट को अपने से रिपल्स करेगा, अपने से दूर भेजेगा। जैसा कि हम आपको कुछ चल रहे हैं बता रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक पता कैसे चला कि
जो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, रगड़ने पर उसमें आकर्षण की प्रवृत्ति आती है और प्रतिकर्षण की आती है, कैसे पता चला? मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए चल रहे हैं। वेट, तो क्लास हमारे पास क्या है? बैलून है, गुब्बारा है, हम आपको दिखाते हैं इससे कुछ। जब इस गुब्बारे को अपने बाल से रगड़ते हैं, नॉर्मली अगर इसको हम बोर्ड पे चिपकाएंगे, जब हम इस गुब्बारे को बोर्ड पर चिपकाते हैं तो हम देखेंगे बोर्ड पे चिपके करी देखते हैं, आप लोग भी देखना, चिपक नहीं रहा है, गिर जा रहा है, क्या हो रहा है? गिर जा रहा है। बट फिर से देखना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपने बाल से, अपने हेयर से रब करूँगा, क्या करूँगा? रब करूँगा। आप ये चीज़ प्रैक्टिकली घर पे देख सकते हो, हमारे चैनल पे आपको चीज़ें केवल पढ़ाई नहीं जाएंगी, आपको फील कराई जाएंगी। क्या कराई जाएंगी? फील कराई जाएंगी। ओके, देखते जाओ, देखते जाओ, क्या करते हैं, बैलून को रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, अपने हेयर से रगड़ रहे हैं, देखना क्या हुआ। अभी नहीं चिपका, इसको अपने तेज से करते हैं, जल्दी जल्दी रब कराते हैं, जल्दी से रब कराने पर क्या होगा, ये अभी बोर्ड पर चिपक जाएगा, क्या होगा, बोर्ड पे चिपक जाएगा, ठीक है ना। करते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, चिपका के चिपक जाओ, जाओ ये आपको दिखाते हैं जादू, जादू दिख नहीं रहा है आपको। हाँ, तुम क्या बता रहे थे, जब बैलून को, मान लो हमारे पास अभी छोटा सा बैलून है, इसको हम अभी सर से जब रब करेंगे तो ये क्या होगा, बोर्ड नॉर्मली क्या कर रहा है, बोर्ड पे देखो ये नहीं चिपक रहा है, बोर्ड पे चिपक नहीं रहा है, लेकिन जब हम रब करके इसको बोर्ड पे चिपकाते हैं चिपक जाएगा, देखते जाओ भाई, थोड़ा सा चिपक जाओ भाई, ये चिपक गया, चिपक रहा है ना। तो बहुत देर तक जब आप इसको अपने सर पे हेयर पे रब करोगे तो ये चिपक जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये चिपकेगा, चिपकेगा, देख देखते हैं कैसे चिपक रहा है ये। फिर से हम इसको रब कर रहे हैं, दूसरे वॉल्यूम को रब कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, बोर्ड पे चिपक जाएगा, नहीं चिपका, ये इसको रब करते हैं बड़े वाले को, ये चिपक गया, ये क्या हो रहा है, और ये अपने आप नहीं चिपकेगा, अगर हम इसको सोचो ऐसे चिपका दो, चिपक नहीं रहा है, चिपक नहीं रहा है, क्योंकि ये आवेशित नहीं है। आवेशित कब होगा, जब इसको हेयर से रगड़ेंगे, फिर से अगर हम हेयर से रगड़ते हैं क्या होता है, ये आवेशित हो जाएगा, क्या होगा, आवेशित हो जाएगा, मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, इसमें प्रॉपर्टी आ रही है किसकी, अट्रैक्शन की, क्या आ रही है, अट्रैक्शन की, क्योंकि ये आकर्षित हो रहा है किसकी तरफ, बोर्ड की तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या हुआ, बोर्ड में चिपक गया है, अब मतलब इसमें आकर्षण की क्वालिटी आ गई है। तो हमें ये पता चला, आवेश, एक आवेश का एक प्रकार पता चल गया कि आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब देखो, जिस पोर्शन को मैंने सर पे रब किया था, उस पोर्शन, जैसे मैंने मान लो हमारे पास क्या था, हमारे पास छोटे छोटे दो वॉल्यूम थे, क्या छोटे छोटे दो गुब्बारे थे, इसका ये पोर्शन हमने यहाँ पे रब किया था, ये पोर्शन यहाँ रब किया था, इसका वाला दूसरा इधर रब किया था। जब आप इन दोनों को पास पास ले जाओगे तो दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर भगेंगे, क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर भगेंगे, कहाँ भगेंगे, दूर भगेंगे, चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे के पास ले जाएंगे, पास नहीं जाएंगे, दूर जाएंगे। दूर जाने का मतलब क्या होता है, दूर जाने का मतलब होता है कि इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ, एक मिनट बस दिखाते हैं आप, देखते हैं अभी अभी ये फिर से हम इसको पास ला रहे हैं। गुब्बारे क्या है, अभी एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अभी क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, फिर से क्या करेंगे, हम इनको आवेशित करेंगे और दोनों को आवेश करके फिर से पास पास लाएंगे, तब देखते हैं क्या होता है। ये चीज़ आप घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आवेश दो ही प्रकार के क्यों होते हैं, ठीक है, आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों होता है, एक गुण कहाँ से आता है, ये चीज़ें आप करके भी घर पे देख सकते हो। देखते हैं पूरे पास पास आकर क्या होगा, एक दूसरे दूर भग रहे, देखो पहले क्या हो रहा था, दूर भग रहे, पहले क्या हो रहा था, जब इनको आप उल्टा उल्टा लाओ, इधर से आप रगड़े नहीं हो, चिपक जाएंगे, ये पास पास आए, पास पास हैं, लेकिन जब इधर से रगड़े थे उधर से क्या हो रहा था, ये दूर भग रहे, देखो पास नहीं आ रहे, के पास नहीं आ रहे, ठीक है। ये तो बात हो गई, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आवेश में
आकर्षण की भी प्रवृत्ति होती है और प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति होती है। जब हमने इसको अपने हेयर से रब करके बोर्ड से चिपकाया था, किससे चिपकाया था, बोर्ड से चिपकाया था, तब क्या कर रहा था, ये बोर्ड की तरफ आकर्षित हो गया था क्या, अपना गुब्बारा, ठीक है। लेकिन जब हमने दो गुब्बारों को आपस में रब कराया और इनको पास पास लाते हैं, पास पास लाने पे क्या पता चलता है कि इनमें रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण हो रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट समान रूप से आवेशित हैं, दोनों पर समान आवेश है, मतलब अगर ये इस पर धनात्मक आवेश है, इस पर भी धनात्मक आवेश है, दोनों पर धनात्मक आवेश है तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों पर अगर विपरीत आवेश है, एक पर धनात्मक है और एक पर ऋणात्मक है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ से हमें इस बात का पता चलता है। चलो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि किस टॉपिक का मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, कहाँ का लॉजिक है, कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, इसके बीच में हम जोर से इतना दूर पर वॉल्यूम किए हैं, अपना जो गुब्बारा है हमने इतना दूरी पर किया हुआ है, जब इसके बीच में हम फूंक मारते हैं तो क्या होगा, दूर जाएगा या पास आएगा, बताओ दूर जाएगा या पास आएगा। एक मिनट के लिए आप पॉज बटन को क्लिक करें और पॉज करके देखें, खुद सोचो होगा क्या, जब इसके बीच में हम जोर से हवा मारेंगे तो गुब्बारा दूर भगेगा या चिपक जाएगा। देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है, दोबारा पास आ रहा है, चिपक रहा है, देख फिर से देखो, क्यों हो रहा है ऐसा, ये दूर नहीं भग रहा है, ये आपस में चिपक रहा है, फिर से देखो क्या हो रहा है, ये चिपक जा रहा है, हवा मारने से चिपक रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये क्यों चिपक रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। ओके क्लास, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमें क्या पता चल गया कि आवेश में दो प्रकार की क्वालिटी होती है, मतलब अगर किसी भी वस्तु को हम आवेशित करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आवेशित किया जाता है, क्या किया जाता है, किसी वस्तु को अगर आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो हम ये बोल सकते हैं एक साथ सिंपल सी लैंग्वेज में, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या बोला मैंने फिर से, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु को, किसको, किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। किसी वस्तु का वह गुण, ध्यान से सुनना, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपने से दूर भेजती है, प्रतिकर्षित करती है। तो इस प्रकार का कोई गुण अगर किसी वस्तु में उत्पन्न हो रहा है तो वही क्या है, विद्युत आवेश है। बट हम इसको थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो क्या होता है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या लिखा है मैंने, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे हम कुछ बताते हैं आवेश के बारे में, कुछ आगे चीज पढ़ते हैं, कुछ आगे जानकारी देते हैं। विद्युत आवेश एक विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश क्या है, ये विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ठीक, विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। आगे हम बताते हैं विद्युत आवेश का मात्रक, मात्रक क्या होता है ये जानते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी, हमने टेंथ में पढ़ा हुआ था, टेंथ में हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ते हैं, हम आपको यहाँ बताएंगे, टेंथ में हमने पढ़ा होता है आई बराबर होता है क्यू बाई टी, याद है आपको, कितना याद होगा आप लोग, इलेवन पास, टेंथ पास आउट हो, इलेवन पास कर लिया, ट्वेल्थ पहुँच गए हो, हमने पढ़ा था आई बराबर क्यू बाई टी, तो हम क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर I इंटू में टी, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या आ गया, आवेश का मात्रक आ गया
एम्पियर सेकेंड क्या है आवेश का मात्रक क्या आया एम्पियर सेकेंड आया एम्पियर सेकेंड आया फिर एम्पियर सेकेंड क्या है आवेश का मात्रक है ओके ना और इसी को हम एक और नाम देते हैं एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं कूलाम क्या बोलते हैं चलो एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं कूलाम ठीक तो वैद्युत आवेश का कौन कौन सा मात्रक हमें पता चला है एक एम्पियर सेकंड होता है और एक कूलाम होता है एसआई सिस्टम में एसआई पद्धति में एमकेएस पद्धति में एम्पियर सेकंड या कूलाम ही क्या है वैद्युत आवेश का मात्रक होता है वैद्युत आवेश के और भी मात्रक हैं वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है लिख लेना वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड ठीक है क्या होता है फैराड होता है और एक फैराड बराबर होता है 96500 कूलाम ठीक है वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है और एक फैराड में होता है 96500 कूलाम आवेश होता है ठीक इसी प्रकार हमारे आवेश के और भी मात्रक हैं अन्य मात्रक भी हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं जैसे आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप जैसा कि हमने अभी तक क्या स्टडी की है हमने अभी तक पढ़ा है अरे हम क्या जानते हैं देखो वन माइक्रो एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं पता है क्लास किसी कोई भी बताओ एक माइक्रोन में कितने मीटर एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं देख आगे देखते हैं वैद्युत आवेश के अन्य मात्रक देखते हैं हम लोग वैद्युत आवेश के अन्य कुछ मात्रक हैं उसके बारे में देखते हैं क्या होता है तो क्लास वन माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है 10^-6 कूलाम और अगर आ गया 1 नैनो कूलाम आ गया तो 1 नैनो कूलाम इक्वल टू 10^-9 कूलाम होगा और उससे आगे अगर देखते हैं 1 मिली कूलाम क्या आ जाएगा 1 मिली कूलाम इक्वल टू 10^-3 कूलाम होता है अगर आप पीको में भी आता है कि 1 पीको कूलाम क्या होता है तो 1 पीको कूलाम में 10^-12 कूलाम आवेश होता है ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो ठीक है चलो हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और चीज़ जानते हैं आवेश के बारे में अभी तक नहीं जानते आवेश होता क्या है वैद्युत आवेश क्या होता है वैद्युत आवेश कौन सी राशि है और वैद्युत आवेश के मात्रक क्या होते हैं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं आवेश के टाइप मीन्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमने क्या बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं एक होता है धनात्मक आवेश और एक दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश क्या होता है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आवेश कितने प्रकार के होंगे दो प्रकार के होंगे एक होगा धनात्मक आवेश और दूसरा होगा ऋणात्मक आवेश तो आवेश धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है अब इसके बारे में हम आगे सीखेंगे आगे जानेंगे ठीक है इतनी चीज़ें आप लिख लो उसका नोट्स बनाते चलो और धीरे धीरे हम ऐसे अच्छी अच्छी जानकारी लेते रहेंगे अभी तक हमने जान लिया कि आवेश होता क्या था हमने ये भी जान लिया कि आवेश टाइप्स कितने हैं तो आवेश कितने टाइप्स हैं दो टाइप्स हैं धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश और कुछ देर पहले मैंने बैलून का गुब्बारे का उदाहरण लेके बताया था अगर समान आवेशों के बीच में आवेश समान है दो आवेश ऐसे रखें समान रखें इनके बीच होता है प्रतिकर्षण समान आवेश होंगे तो एक दूसरे से दूर भगेंगे क्या होगा बच्चा ये एक दूसरे से बहुत दूर भगेंगे पास नहीं आएंगे बोलेंगे बेटा आना नहीं तुम्हारे पास है ना
समान आवेश पास नहीं आते, दूर भटकते एक दूसरे से। और अगर विपरीत आवेश, समान आवेश में एक और होता है, मान लो माइनस माइनस पास में, क्या है माइनस माइनस पास में, इनके बीच भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बोलो, इनके बीच भी होगा प्रतिकर्षण, 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 ठीक है ना। अब मान लो क्या है, विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश मान लो एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो इनके बीच होगा आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे, खींचते हुए आएंगे। और एक मान लो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच यहाँ पर भी विपरीत आवेश है, विपरीत आवेशों के बीच में होता है आकर्षण। ये सब चीज़ें आप जानते रहना, यहाँ से क्या पता चला, ये दोनों सजातीय आवेश है। क्या है सजातीय, मतलब समान आवेश, तो समान आवेशों के बीच में क्या होगा, सजातीय आवेश। क्या है ये, सजातीय आवेश, सजातीय आवेशों के बीच में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो हमें ये पता चला, अगर आवेश सजातीय होंगे, समान प्रकार के होंगे, उनके बीच होगा प्रतिकर्षण। और अगर आवेश विपरीत होंगे, क्या होंगे, विजातीय, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। अगर आवेश विजातीय होगा तो इनके बीच में होगा आकर्षण। क्या होगा इनके बीच, इनके बीच होगा आकर्षण। ओके क्लास, इनके बीच क्या होगा, तब आकर्षण होगा। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई, समान आवेश होगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश होगा तो उनके बीच आकर्षण होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको एक बार देख लेते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश होते हैं दो प्रकार के। ठीक, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब देखो, हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, उदाहरण लेते हैं सोडियम, सोडियम त्याग, मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, क्या है सोडियम, क्लोराइड का इसका 11 है, और एक हमारे पास एलिमेंट है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो क्या होता है, 2 8 1 होता है, इसका निकालो क्या होता है, 2 8 and 7 होता है, क्या होता है, 2 8 and 7। अब देखते हैं हम लोग यहाँ करने के जा रहे हैं, तो जो सोडियम होगा क्या करता है, अभी देखो इस, अभी इस कंडीशन में, ग्राउंड स्टेट में इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11। ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट में, देखो किसी भी तत्व, जो क्रमाण क्रमांक होता है ना, किसी तत्व का क्रमाण क्रमांक, किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक इतना होगा, प्रमाण क्रमांक इतना होगा, उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रमाण क्रमांक इतना होगा उतने उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, बराबर प्रोटॉनों की संख्या, मतलब अगर कोई भी तत्व है उसका प्रमाण क्रमांक इतना होगा, तो प्रमाण क्रमांक इतना होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। मान लो हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम प्रमाण क्रमांक 12 होता है, मैंने क्या बोला, प्रमाण क्रमांक जितना होगा उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन होंगे 12 और प्रोटॉन भी होंगे 12, समझे बात, बोलो समझे ना, बोलो बोलो, हाँ समझे। तो बात करते हैं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम का प्रमाण क्रमांक 13, एल्युमिनियम का प्रमाण क्रमांक 13 है, जब एल्युमिनियम का प्रमाण क्रमांक 13 होगा तब क्या होगा, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 13 और प्रोटॉन होंगे 13, मतलब प्रमाण क्रमांक जितना होगा तत्व में उतने ही, तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चली, तो हम आगे आपको ये बताने वाले थे, जब सोडियम ने ग्राउंड स्टेट में था, जब सोडियम ग्राउंड स्टेट में था तब उसके पास इलेक्ट्रॉन थे 11 और प्रोटॉन थे 12। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सोडियम प्लस बना लिया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 बचा। अब इसके पास बचे हैं इलेक्ट्रॉन, कितने बचे इलेक्ट्रॉन, बचे 10 और प्रोटॉन अभी भी 11 ही हैं।
क्योंकि कोई भी तत्व तो क्या करता है, कोई भी तत्व तो केवल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन का नहीं त्याग करता। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन क्या बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। बात ये सब बातें हैं केमिस्ट्री की, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ये चीज़ें हम अलग से इलेबोरेट कर देंगे, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे अलग से। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पर जब ये ग्राउंड स्टेट में था, जब इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण किया था, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, और प्रोटॉन भी कितने थे, प्रोटॉन भी थे 17। लेकिन अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। जी बताओ, जब ये इसके पास मानो पहले 90 इलेक्ट्रॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन था, 17 इलेक्ट्रॉन था, इस पर एक माइनस चार्ज लग गया। माइनस चार्ज मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, तब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इंक्रीज हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले 17 था, एक इसको और मिल गया, क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन तो 17 थे, तो 17 ही रह गए। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और यहाँ पर प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे। तो वैसे ही अपना सोडियम में हुआ था, सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इसका मतलब क्या पता चला, अगर कोई भी तत्व धनायन बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर धन चार्ज है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर क्या है, किसी पदार्थ पर धन चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की, बोलो 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 बोलो, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और कोई भी तत्व अगर क्या बना रहा है, ऋण आयन बनाता है, कोई तत्व ऋण आयन बनाता है, वहाँ पर होते इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यहाँ पर होती इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि पहले 17 इलेक्ट्रॉन था, बाद में हो गया 18, तो यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। कोई तत्व धनायन बनाएगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। साथ में यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जब एक तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ता है। जब तत्व से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तब तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब उसके द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है गाइस 1.9×10⁻³⁻ kg, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना द्रव्यमान है, तो मान लो सोडियम के पास पहले क्या 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 11 इलेक्ट्रॉन थे मतलब उसके पास उसका द्रव्यमान ज़्यादा था ना, उसमें से क्या निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इतना द्रव्यमान निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा, द्रव्यमान में कमी आएगी, क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन के निकलने से द्रव्यमान में कमी आएगी, क्या आएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी, द्रव्यमान की कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जुड़ने से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में क्या आती है, द्रव्यमान की अधिकता हो जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए, क्वेश्चन किया जाए कि द्रव्यमान में और आवेश में अंतर क्या है, क्या किया जाए, द्रव्यमान में और आवेश में अंतर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारा आंसर ये आएगा कि हम एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं डेल एम इक्वल टू एम नॉट b² / c² / v² / c². तो यहाँ पर जो m नॉट होता है, क्या होता है, जो m नॉट होता है इसको बोलते हैं स्थिर द्रव्यमान, क्या बोलते हैं इसको, स्थिर द्रव्यमान, यह है अपना स्थिर द्रव्यमान, इसको वो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन,
द्रव्यमान में परिवर्तन है। इसका मतलब ये हुआ अगर वी का अगर किसी भी वस्तु का वी बढ़ाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेग बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। क्या होगा अगर किसी वस्तु का वेग बदलेगा तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा परिवर्तन होगा। लेकिन आवेश के साथ ऐसा नहीं होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लो कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 20 kg कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 20 kg है किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg और मान लो इसे +2 आवेश है कितना है कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 20 kg उस पर आवेश +2 का है तो आप इसको कितने भी वेग से भगा दो कितनी भी वेलोसिटी इसको दे दो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा लेकिन इस पर आवेश जो है हमेशा +2 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवेश और आवेश जो है वो वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है लेकिन द्रव्यमान जो है वेलोसिटी पर निर्भर करता है। क्या मैंने बोला फिर से एक बार सुनना जो द्रव्यमान होगा वो वेलोसिटी पर निर्भर करता है लेकिन आवेश जो है द्रव्यमान पर आवेश जो है वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आप कितना भी वेलोसिटी कर दो तो उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट का वेग बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन जरूर आएगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन इसमें आवेश में और द्रव्यमान में कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की का वेलोसिटी बढ़ाते हो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा लेकिन उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी चाहे जितनी दे दो उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके क्लास तो इतनी ये बात होगी द्रव्यमान में और आवेश में अंतर। हम आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहेंगे इतनी चीज़ें समझ में आई ना। हाँ हमें क्वेश्चन हमारा ये था एक और कि जो आवेश होता है क्या होता है जो मतलब संकल्पना देगी आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों देगी। जो आवेश की संकल्पना दी गई है उसको इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दिया गया था जानते हो कि जो आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दिया गया हमेशा इलेक्ट्रॉन की बात क्यों होती तो उसका आंसर ये है क्लास कि जब जो आवेश होता है क्या होता है आवेश मतलब जो हम ही जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में थोड़ा जानते हैं क्योंकि मान लो हमारे पास एक गड्ढा है क्या है सपोज करो गड्ढा है उसमें बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं गड्ढा है उसमें बहुत सारे बॉल्स पड़ी है मान लो क्या गड्ढे में बहुत सारा पत्थर है गड्ढे में बहुत सारा पत्थर पड़ा हुआ है और जितने पत्थर हैं सब में रस्सी लगी हुई है जितने पत्थर हैं सब में रस्सी लगी हुई है रस्सी हमारे हाथ में है हम ऊपर खड़े हैं नीचे गड्ढा है गड्ढे में क्या है बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं बहुत हैवी हैं बहुत बड़े बड़े भी हैं उसमें दो चार पत्थर छोटे भी हैं तो कौन सा पत्थर आसानी से निकलेगा जिसका द्रव्यमान कम होगा वही तो निकलेगा ना आसानी से जिसका द्रव्यमान कम होगा जो हल्का होगा उसे आसानी से उठा लेंगे वो आसानी से निकल जाएगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में काफ़ी कम होता है जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना वो प्रोटॉन की तुलना में काफ़ी कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉनों को किसी भी तत्व के कक्षाओं में से निकालना बहुत आसान होता है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं लेकिन प्रोटॉन को निकालने में बहुत दिक्कत होती है प्रोटॉन आसानी से नहीं निकलते हैं। साथ में इसका एक रीज़न और भी है कि दुनिया का जो सबसे खतरनाक बल होता है दुनिया का सबसे खतरनाक बल है सबसे डेंजर सबसे मजबूत जो बल होता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या होता है प्रबल नाभिकीय बल तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं। क्या बोला मैंने प्रोटॉन्स जो होते हैं वो प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं। जब प्रोटॉन्स प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बंधे रहेंगे तो नाभि से प्रोटॉन्स को निकालना क्या है मुमकिन ही नामुमकिन है कि हम प्रोटॉनों को निकाल नहीं सकते हैं प्रोटॉन को कभी भी नाभिक से निकाला नहीं जा सकता है। जैसा कि देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम फिर से लिखते हैं 9.1×10⁻³⁹ kg और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान हुआ क्या होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67×10⁻²⁷⁷ kg। देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको 10⁻⁴ का डिफरेंस दिख रहा है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है प्रोटॉन का जो मास है ग्रेटर है बहुत ज़्यादा है इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए प्रोटॉन को निकाल पाना किसी भी एलिमेंट की कक्षाओं से प्रोटॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। साथ में ये कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोटॉन को हम इसलिए नहीं निकाल पाते किसी भी तत्व से प्रोटॉनों को निकालना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन बंधे होते हैं प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं।
जो प्रोटॉन होते हैं प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा बंधे होते हैं? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा प्रोटॉन बंधे होते हैं, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है। और इसलिए इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, और कैसे निकालते हैं वो भी दिखाते हैं हम आपको। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, नाभिक हो गया, ये हो गया नाभिक, ये होगी कक्षाएँ उसके आसपास की, ये हो गया फिर से नाभिक के आसपास की कक्षाएँ होंगी, कक्षाओं में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या घूमते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मान लो क्या है ये, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूम रहे तो भाई घूमने दो। आइटम कोर्स के इलेक्ट्रॉनों क्या कहते हैं भाई, क्यों बताएगा? आइटम कोर्स के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? चलो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, जो जब इलेक्ट्रॉन जब दो तत्व हैं, मान लो दो तत्व इनको आपस में रगड़ेंगे, दो ऑब्जेक्ट इनको आपस में रगड़ेंगे, तो जो इनके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, इनको रब करने से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। जब किसी चीज़ को रब करोगे तो उसे हीट मिलेगी ना, हल्की सी गर्मी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और जैसे इनको एनर्जी मिलती है, बहुत तेज़ से अपना स्थान छोड़ के बाहर भागते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कहीं क्या होता है, इन पर क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ग्रहण कर लेंगे तो ऋण चार्ज आएगा, और अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर धन चार्ज आएगा। तो जब इनको रब करते हैं, रब करने से इनके बीच घर्षण होता है, घर्षण से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, इनको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से क्या होता है, ये अपने अपना स्थान छोड़ देते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। हमें पता है क्या क्या इतनी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक स्टडी कर ली है, ठीक। आगे क्या, चलो हम आगे देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, क्या है हमारे पास कोई वस्तु है, और उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या के बराबर है, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटोन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोन की संख्या के बराबर है, तो क्या होगी, धनावेशित होगी, ऋणावेशित होगी या उदासीन होगी। अगर मान लो कोई वस्तु और है, हमारे पास तीन वस्तुएं हैं, हमारे पास एक वस्तु और है, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन से कम है। जब हमने अभी एन ए पॉजिटिव बनाया था तो क्या देखा था, हमने एन ए पॉजिटिव बनाने पर देखा था इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी, कमी आ रही थी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही थी। इलेक्ट्रॉन की कमी पर क्या होता है, मतलब यहाँ क्या बनता है, धनायन बन रहा है। अभी समझाते हैं, अगर एक वस्तु के पास और है, एक वस्तु और है, और यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो हमने क्या देखा था, क्लोरीन की बात किए थे ना, क्लोरीन पर ऋण आवेश था, ऋण आवेश मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, तो एक जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वस्तु क्या होती है, ऋण आवेशित हो जाती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाएगा तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, वस्तु क्या होती है, उदासीन अवस्था में होती है। ये क्या है, ये होगी ऑब्जेक्ट क्या होगा, उदासीन होगा, ये क्या होगा, धनावेशित होगा, धनावेशित होगा, और ये ऋणावेशित होगा, क्या होगा, ऋणावेशित होगा। जल्दी से आप ये चीज लिख लो, तो लिख लो तो जल्दी, और देखते हैं कुछ चीज़ें और जानते हैं। मान लो कुछ चीज़ें इनको याद रखना है, ये आवेश हो गया, ये हो गया उसका द्रव्यमान, क्या हो गया, द्रव्यमान। अब देखते हैं कण, मतलब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, किसकी बात, इलेक्ट्रॉन की, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश होता है माइनस 1.6 इंटू 10^4 माइनस और द्रव्यमान इससे कितना होगा 9.1 इंटू 10^4 -31 के जी। आगे बात करते हैं प्रोटॉन की, किसकी प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर भी क्या होता है, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10^4 -19 कूलाम का आवेश होता है। कितना आवेश होता है प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10^4 -19 कूलाम का आवेश होता है। और इसका जो मास होगा, मास होता है 1.6726 इंटू 10^4 -27 के जी। और बात करते हैं न्यूट्रॉन का, ये कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। क्या होता है, ये उदासीन होता है। तो इस पर इसका द्रव्यमान होता है तो इसका द्रव्यमान लगभग दोनों का बराबर मान लिया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है ऐसा मान लिया जाता है। तो इन तीन चीज़ों को जल्दी से आप राइट डाउन कर लो। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट एक लिख लीजिए आप लोग, नोट पॉइंट ये है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, यहाँ पर लोग फंस जाते हैं, लोग अटक जाते हैं। पॉइंट ये है, कोई आवेशित वस्तु अगर है, आवेशित वस्तु आवेशित वस्तु पूरा सीन है, आवेशित वस्तु था उदासीन, आवेशित वस्तु था उदासीन वस्तु के बीच में, अगर कोई वस्तु आवेशित है और कोई वस्तु उदासीन है, उनके बीच में हमेशा आकर्षण लगेगा। क्या कौन सा बल लगेगा हमेशा, आकर्षण बल होगा। ठीक है, मान लो अगर अपना ये मार्कर क्या है, अगर एक मार्कर अपना ये मार्कर क्या है आवेशित है, ये मार्कर आवेशित है और ये मार्कर उदासीन है, इन दोनों को पास लाएंगे तो इनके बीच हमेशा आकर्षण बल ही लगेगा, प्रतिकर्षण बल कभी नहीं लगेगा। तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, कौन सी बात, कि आवेशित वस्तु था उदासीन वस्तु के बीच में हमेशा आकर्षण बल ही लगता है। ठीक, एक बात और हमने बताया था क्या, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, लेकिन जो अपना आवेश होगा क्या होगा बताओ बच्चा लोग, जो आवेश होगा वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है और ये वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जो है वेग पर निर्भर करता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। ये क्या है, आवेश का अंतर है, आवेश और द्रव्यमान के बीच में एक अंतर है। आप चाहो तो इस पॉइंट को भी राइट डाउन कर लो। और हमने ये सब बता ही दिया है कि किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान सदैव बदलेगा, कोई वस्तु अगर आवेशित हो रही है तो उसका द्रव्यमान सदैव बदल जाएगा, अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी, कोई वस्तु अगर ऋणावेशित है तो उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी, उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट बचता है आवेश का, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या बचता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो हम क्या देख रहे हैं, आवेश संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार आवेश, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऐसे ही वैसे ही अपना आवेश संरक्षण का नियम भी है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का नियम है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसा कि अगर मान लो हमने क्या देखा था, सोडियम में एन ए पॉजिटिव था, पकुंडली में क्या था 17 शेयर माइनस था, जब इनको कंबाइन करेंगे, मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो एक प्लस था और इसने एक प्लस त्यागा था, इसमें माइनस एक ग्रहण किया,
तो प्लस एक और माइनस एक मिलाकर क्या होता है, दोनों मिलाकर जीरो होता है, जीरो शून्य होता है, शून्य मतलब उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश का तो उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, केवल आवेश क्या हो रहा है, यहाँ से एक जा रहा है तो एक ले रहा है। ठीक है, पहले क्या था, ये पहले उदासीन अवस्था में रहता है सोडियम ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनायन बनाया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणायन बनाया, मतलब आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा रहा है ना ही नष्ट किया जा रहा है, आवेश इसके पास जा रहा है बस, उसका वो उत्पन्न नहीं हो रहा है नष्ट, ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा, समझ पा रहे हो बात ना। तो अब क्या पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, तो आवेश क्वांटीकरण में हम ये पहले तो हम ये जानते हैं कि किसी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान कितना हो सकता है, तो किसी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान 1.6×10⁻¹⁹ होता है, किसी आवेशित वस्तु पर सबसे कम आवेश जो होगा 1.6×10⁻¹⁹ होगा, इसमें से कम आवेश किसी वस्तु पर होगा ही नहीं, जो सबसे कम आवेशित वस्तु होगी उस पर भी इतना आवेश तो हर हाल में होना ही होना है। ठीक है, तो आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को, जो आवेश की सबसे कम मात्रा है, न्यूनतम मात्रा है, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, इससे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, और इससे स्मॉल ई को ही क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मूल आवेश बोलते हैं। मूल आवेश क्या होता है, कोई पूछे अगर मूल आवेश क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, मूल आवेश क्या है, किसी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान, किसी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान हमेशा मूल आवेश के बराबर ही होगा, किसी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान हमेशा किसके बराबर होगा, मूल आवेश के बराबर ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, और देखो प्रकृति में मूल आवेश से छोटा कोई आवेश नहीं होता, क्या बोला मैंने, नेचर में मूल आवेश से छोटा कोई आवेश नहीं एग्जिस्ट करता है, जो सबसे छोटा आवेश एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, मूल आवेश होगा, क्या होगा, वो मूल आवेश होगा, मूल आवेश से छोटा कोई आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं हम आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान जो होगा सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जो मूल आवेश ही है इसके पूर्ण गुणज के रूप में ही किसी आवेशित वस्तु पर आवेश होगा, कभी भी आवेश भिन्नात्मक नहीं होगा। ठीक है ना, आवेश किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के ही रूप में होगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, किसी वस्तु पर आवेश एक होता हो सकता है, दो ई हो सकता है, तीन ई होगा, फोर ई होगा, फाइव ई होगा, डॉट 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 ऐसे ही आवेश रहेगा, आवेश कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, 0.2 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो 0.7 हो गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन, तो आवेश कभी भी भिन्नात्मक नहीं होंगे, आवेश क्या होंगे, हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही एग्जिस्ट करेंगे। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के ही रूप में एग्जिस्ट करेगा। बात नहीं समझ में आई या नहीं, बोलो, आवेश कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकते, ऐसा किसे बताया गया, ऐसा हम जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में। ओके, चलो हम आगे देखते हैं बिंदु आवेश होता क्या है, क्या चीज बिंदु आवेश क्या होता है, तो बिंदु आवेश क्या होगा, जब दो आवेशों का आकार उनको पृथक करने वाली दूरियों की तुलना में नगण्य हो, तब उस आवेश को क्या बोलेंगे हम, बिंदु आवेश बोलेंगे। सपोज करो हमारे पास क्या है, कांच की गोलियां हैं, कंचे बोलते हैं ना मार्बल्स, कांच की गोलियां हैं, छोटी छोटी दो गोलियां हैं, उनको हम 1 किलोमीटर की दूरी पर रखते हैं, एक यहाँ पर हम रख दें और एक 1 किलोमीटर दूर रख दें, तो अगर हम उनको आवेश माने तो उनके बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है, तो जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है उसकी तुलना में जो आवेश, अब आवेशों का आकार है एकदम नगण्य ही तो हुआ, 1 किलोमीटर की तुलना में इतनी सी गोली का जो आकार हुआ क्या हुआ, नगण्य हुआ। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होती है, वही इस प्रकार का जो आवेश होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, बिंदु आवेश कहेंगे। ठीक है, यह एक नोट पॉइंट और है आपके जानने योग्य बात है, कि वस्तुओं के आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही उत्तरदायी है, प्रोटॉनों का नहीं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वस्तुओं में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैंने ये भी रीजन आपको बताया था अभी, कि किसी भी वस्तु से प्रोटॉनों का निकालना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, और साथ में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बने होते हैं,
जो प्रोटॉन है प्रबल नाम के बलों द्वारा बने होते हैं, जो कि सबसे खतरनाक बल होता है, बहुत स्ट्रांग बल होता है, इसलिए प्रोटॉन को नाभिक से निकालना मुश्किल होता है। तो केवल इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करते हैं तो हाँ, स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉनों का होगा। इलेक्ट्रॉनों कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ने की या किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन ने की, समझ में आई बात। तो इस चैप्टर में हमने आवेश के बारे में सब कुछ बता दिया। आई थिंक आवेश से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आपको आवेश से संबंधित कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको डाउट कहाँ पर है। अगर लेक्चर में कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है वो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप चैप्टर पूरा एक तरफ से देखोगे, पूरा लेक्चर आप देखोगे, कहीं पर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करना, हम आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन देंगे। ओके।